हम लोग बात करेंगे ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ कि ब्लड इज प्रेजेंट इन द ब्लड साइनसेस। ओपन ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड साइनसेस में प्रेजेंट है एंड ऑल द विसरल ऑर्गन आर टेकिंग बाथ इनसाइड द ब्लड साइनसेस। तो यहाँ आप कॉकरोच में देख सकते हैं कि यहाँ यह पेरी कार्डियल साइनस है, यह पेरी विस्टल साइनस है, यह पेरी न्यूरल साइनस है। तो पेरी न्यूरल साइनस में क्या है, वेंट्रल नर्व कार्ड। पेरी विस्टल साइनस में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, उसके मेल्पिगन ट्यूब्यूल। और पेरी कार्डियल साइनस में यहाँ पर 13 ट्यूबुलर हार्ट है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, यह जो है आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में पाया जाता है। यहाँ पे कोई ब्लड वेसल नहीं, कोई ब्लड कैपिलरी नहीं, सीधे ब्लड साइनसेस जो ब्लड के चेंबर हैं उसी में जो है विसरल ऑर्गन है वो ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि जैसे एक कॉकरोच है, कॉकरोच या आर्थ्रोपोडा फाइलम का एनिमल है, और यहाँ पर ये जो साइनस है, ये जो चेंबर है आप देख सकते हैं, यह पेरी कार्डियल साइनस, और इसको कहते हैं पेरी विसरल साइनस, और यहाँ नीचे पेरी न्यूरल साइनस। तो पेरिकार्डियल साइनस में लगभग 13 हार्ट होंगे, इस तरह से ट्यूबुलर हार्ट, ये अपोजिट दिशा में चलते हैं इसे, 13 ट्यूबुलर हार्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। तो 13 ट्यूबुलर हार्ट है, इसमें जगह जगह साइनसेस हैं। अब यह वाल्व लगे हुए हैं और यहाँ ब्लड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन को फ्लो होता है। लेकिन यह जो आप देख रहे हैं बीच बीच में यहाँ ब्लड को एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे जगह बने हुए हैं, वैसे यहाँ भी है। तो इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरी न्यूरल साइनस, यह गैंग्लियन, और यहाँ से ये पेरी न्यूरल साइनस में यह वेंट्रल नर्व कार्ड है, वेंट्रल नर्व कार्ड, यहाँ पे तमाम सारी न्यूरॉन्स हैं। तो सारा का सारा आप देख रहे हैं पूरे फ्लूड में, दे आर टेकिंग बाथ इन टू दिस फ्लूड, हीमोलिम्फ इसको कहते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी फ्लूड भरा है जिसमें हार्ट है, यहाँ भी फ्लूड भरा है जिसमें वेंट्रल नर्व कार्ड है, वेंट्रल नर्व कार्ड, और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल फायरिंग से ऐसे, और यहाँ पे यह क्राप हो गया इनका, क्राप के बाद ये गिजार्ड हो जाएगा, गिजार्ड के बाद हिपैटिक सिका ऐसे हो जाएंगे, और पूरी एलिमेंट्री कैनाल, मिडगट, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, यहाँ पे मेल्पिगन ट्यूब्यूल, और यह यहाँ से होते हुए ये बिल्कुल बाहर की तरफ ये खुल जाएगा। तो इन द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इन ओपन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड इज प्रेजेंट इन साइनसेस, ब्लड साइनसेस, ब्लड चेंबर में, वहाँ पे सारे ऑर्गन, दे आर एक्सचेंजिंग देयर मटेरियल, दे डू नॉट हैव ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल्स, बट डायरेक्टली दे आर कमिंग इन टू कॉन्टेक्ट ऑफ हीमोलिम्फ।
यहाँ पे कॉकरोच में आरबीसी नहीं होता, डब्ल्यूबीसी होंगे, प्लेटलेट्स होंगे और प्लाज्मा होगा, बट आरबीसी नहीं होता। क्यों आरबीसी नहीं होता? क्योंकि इसमें ट्रेकिया से सांस लेते हैं, पाइपलाइन होती है, ऑक्सीजन चली जाती है फ्लूड में और एक्सचेंज होगा गैस। तो यहाँ पर बच्चों ब्लड साइनसिस जो है इसी में ब्लड होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ए एलनी मसल से कॉन्टैक्ट लेस करेगा, ब्लड जो है बैकवर्ड डायरेक्शन से फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ इस तरह से आएंगे और यहाँ से आगे फिर जब न्यूरल में आएंगे तो फिर यहाँ से ब्लड ऐसे आकर के फिर आकर के फिर इस तरह से पेरिकार्डियल साइनस में, तो सब में प्रवाहित होते रहता है और एक्सचेंज होते रहता है मटेरियल। तो दिस टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आर कॉल्ड ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन ब्लड सर्कुलेशन इट इज फाउंड इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में यह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।